नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेके एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित काफ़ी दिनों से एक समस्या चल रही थी। दोस्तों, वो समस्या थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में करप्शन को लेके। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है, यानी कि इस योजना में अपडेट किया गया है। इस हेल्प डेस्क की सहायता से आप जो है अपने अकाउंट में, अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल में हर प्रकार का संशोधन, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। आपका आधार नंबर गलत है या आधार नंबर संबंधित कुछ भी समस्या है तो आप उसमें किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपका करेक्ट जेंडर इज नॉट शोइंग, यानी कि आपका जो जेंडर है मेल फीमेल वो शो नहीं कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप सही कर सकते हैं। बैंक खाता संबंधित जो भी समस्या है, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड को लेके, ये आप संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आवेदन अप्रूवल संबंधित कोई भी समस्या है या आपका जो आवेदन है वो पेंडिंग दिखा रहा है तो उसका समाधान भी आप कर सकते हैं। आपको अगर पैसा प्राप्त नहीं हुआ है किसी भी किस्त का, तो इन सभी समस्याओं के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इस वीडियो में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी बिल्कुल लाइव प्रोसेस के साथ देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कैसे जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बिल्कुल इजी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इन तमाम गलतियों से संबंधित कोई भी सुधार देखना चाह रहे हैं, जो भी इनमें से एक भी गलती अगर आपके अकाउंट में है, और अगर आप संपूर्ण जानकारी जानना चाह रहे हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं सीधा मोबाइल फोन की स्क्रीन की तरफ। वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी किसान भाई, आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करेक्शन करने का 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से जो है आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास आपका जो है अकाउंट नंबर है तो दोस्तों आप जो है अकाउंट नंबर से भी जो है चेक कर सकते हैं। आपके पास अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं, और अगर मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है तो आप मोबाइल नंबर से भी अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से आपको जो है बता देता हूँ ये नया ऑप्शन जो जोड़ा गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंतर्गत गूगल का न्यू पेज ओपन करना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है pmkisan.gov.in। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट आपको सर्च करनी है। इसके अलावा दोस्तों, इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दिया है, लेकिन अगर आप लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जा सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑफिशियल तरीका भी आपको बता दिया है। जैसे आप क्लिक करेंगे pmkisan.gov.in तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड, इस वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे। यहां पे आने के बाद आप मेरे किसान भाई, आप यहां पे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पे आप देखेंगे राइट साइड में फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन। इस फार्मर कॉर्नर के ऑप्शन के अंतर्गत ही जो है आपको एक नीचे ही नीचे एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है और वो आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क। इससे पहले दोस्तों आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपडेट आपने किया होगा। दोस्तों, यहां पे जो है सभी किसानों की जो एंट्री थी, सभी किसानों का जो डिटेल था वो ओपन नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहां पे जो है अगर आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, सभी किसान भाइयों का यहां पे हेल्प डेस्क पे जो है ओपन हो पाएगा। आपको इस हेल्प डेस्क के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है नेक्स्ट पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पे देख सकते हैं पेज हमारे सामने एप्लीकेशन ऑफ
रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन के लिए तीन डिटेल हमसे भराई जाएंगी। इन तीनों में से आप एक डिटेल से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, अकाउंट नंबर है तो उससे भी ओपन कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर है तो उससे भी आप जो है अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं करेक्शन के लिए। दोस्तों अगर आपको वाकई में वीडियो में मजा आ रहा है, अगर आप भी इस बात से खुश हैं कि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा बदलाव किया है, तो वीडियो को लाइक अभी कर दें। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे आधार नंबर है, मैंने यहाँ पे आधार नंबर सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे एंटर आधार में आपको अपना आधार नंबर डालना है। अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो आप अकाउंट नंबर के ऊपर चेक मार्क लगाइएगा और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मेरे दोस्तों आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेगा, वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था, जिस मोबाइल नंबर पर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें आती हैं या सूचना आपको जिस मोबाइल नंबर पर दी जाती है, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा और उसके बाद गैट डाटा के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो चलिए मेरे पास एक किसान भाई का डाटा है जिसमें प्रॉब्लम है, मैंने उसका आधार नंबर यहाँ पे जो है डाल दिया है। अब सिंपली हम गैट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे, आप भी इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप नाम देख पाएंगे, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट भी किस तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ था, बाकायदा डेट मंथ और ईयर के माध्यम से। उसके बाद आप यहाँ पे जेंडर देख सकते हैं, कैटेगरी देख सकते हैं कि आप किस कास्ट में हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं, आपका एक्टिव है या इनएक्टिव। आधार स्टेटस में देखते हैं आपका आधार नंबर वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। बैंक रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। स्टेट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, ब्लॉक देखेंगे और यहाँ पे अपने विलेज का नाम देखेंगे। और दोस्तों उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तें जो है आपको दिखाई देंगी। तो इस किसान को आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चौथी किस्त है, यानी कि हम बात करें जो ओवरऑल जो चौथी किस्त है इसके अंतर्गत जो है प्रॉब्लम आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चौथी किस्त है इसमें लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाई स्टेट, यानी कि अप्रूवल संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, वेटिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रीवेंस टाइप जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्रीवेंस टाइप के अंतर्गत जो है आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको उस समस्या से संबंधित 500 वर्ड आप यहाँ पे टाइप करेंगे। दोस्तों आपको ये कंपल्सरी नहीं है कि आप 500 वर्ड टाइप करें, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो है आप 500 वर्ड जो है टाइप कर सकते हैं, यानी कि 500 की लिमिट यहाँ पे दी हुई है, इससे ज़्यादा आप टाइप नहीं कर सकते। जो भी समस्या है वो आप यहाँ पे 500 वर्ड के अंतर्गत आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट जो यहाँ पे दिखा रहा है सेलेक्ट ग्रीवेंस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन हमारे सामने खुल के आएगा, अकाउंट नंबर इज नॉट करेक्ट, यानी कि आपका अकाउंट नंबर है जो करेक्ट नहीं है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जिनका अकाउंट नंबर करेक्ट नहीं है। या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल, जिनका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है पेंडिंग दिखा रहा है उनको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट नोट रिसीव्ड, यानी कि आपको किस्तें नहीं मिली है तो आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आपका ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है तो आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। प्रॉब्लम इन आधार करेक्शन, आप जो है आधार करेक्शन से संबंधित कोई भी समस्या है, आपका एड्रेस गलत हो, नाम गलत हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, आधार नंबर आपका वेरीफाई नहीं हुआ हो, तमाम आधार कार्ड से संबंधित प्रॉब्लम के लिए आपको यहां पे प्रॉब्लम इन आधार करेक्शन को सिलेक्ट करना है। और करेक्शन जेंडर इज नॉट शोइंग, जेंडर से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपको यहाँ पे सिक्स नंबर वाला ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और समस्या बच गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस किसान को यहाँ पे पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है तो हम यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रूवल बाय स्टेट, यानी कि अप्रूवल संबंधी समस्या आ रही है तो हमने यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल ये हमने सेलेक्ट किया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी समस्या है कि यहाँ पे आपका जो है पैसा नहीं आया है
यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, तो जल्द से जल्द इसका समाधान करें। इस तरीके से आपको टाइप करना है। आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं और आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, आपकी सहूलियत के अनुसार आपको जो बेस्ट लगे उसी लैंग्वेज में आप जो है इसमें टाइप कर सकते हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा और दोस्तों आपको टाइप कर देना है कि जो भी समस्या आ रही है, जो भी समस्या आपको टाइप करनी है कि आपका पैसा क्यों नहीं आया है, किस कारण से अटक गया है, ये जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पे जो है टाइप कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में जो है सबमिट के ऊपर क्लिक करके अपने इस जो भी आपने यहाँ पे जो है अप्रूवल भेजा है, जो भी आपने करेक्शन करवाना चाह रहे हैं उसको लास्ट में सबमिट जरूर करना है ताकि आपका ये जो है सबमिट हो जाए। तो इस तरीके से आप जो है इसे सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस किसान को जो समस्या आ रही है, मैं इसके अंतर्गत यहाँ पे जो समस्या आ रही है वो टाइप करके इसको बताने वाला हूँ, यानी कि बाद में सेंड करूँगा क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप भी बोरियत महसूस करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी तुरंत समाधान होगा, मात्र 5 या 4 दिन के अंतर्गत जो है आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा और जो भी समस्या है वो आपकी दूर कर दी जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा अपडेट आया है। सबसे पहले हमने इस अपडेट के बारे में आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी है। इसी प्रकार से आप भी गवर्नमेंट की तमाम सरकारी योजनाओं की, खासकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना या और भी जितनी गवर्नमेंट योजनाएं हैं, इनकी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल लाइव और पुख्ता सबूतों के साथ बिल्कुल संतुष्टि से जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो अभी इस वीडियो के नीचे आपको जो रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसको किसी भी तरीके से दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो आपको बेल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है तो दोस्तों आप उसे ऑन जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, गवर्नमेंट की कोई भी योजना आती है, कोई भी अपडेट आती है, उसकी जानकारी जैसे अपलोड करता हूँ तो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल में वो जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो से खुश हैं, अगर गवर्नमेंट के इस कदम से खुश है कि हमें जो है दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के कार्यालय या दफ्तरों की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से हर प्रकार का संशोधन कर सकते हैं, तो इस गवर्नमेंट के इस अच्छे उपाय के लिए एक वीडियो को दिल से लाइक करें। एम करते हैं इस वीडियो में आप जो है 10,000 लाइक जरूर कंप्लीट करवाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर करें, हर सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफॉर्म पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिस पर भी आप शेयर करना चाहें, क्योंकि हर किसान भाई को इसकी ज़रूरत है। और अगर आपके एक शेयर से किसी किसान भाई को गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ मिलता है तो उसकी दुआ जो है आपके दान से भी ज़्यादा काम आएगी, तो आप ये काम जरूर करें, इस वीडियो को जरूर एक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी प्रकार से को नए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। मैं रवि कुमार और आप देख रहे थे पहले देखो पहले सीखो किसान यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।